नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ लक्ष्मी, नॉट BOMB बम। जैसा कि आपको पता है, पहले भी इस नाम को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, तो मैं आज सिर्फ ये बोलूँगी लक्ष्मी मूवी का रिव्यू करूँगी। लक्ष्मी मूवी का डायरेक्शन किया गया है राघव लॉरेंस के द्वारा, जिनकी ये ओरिजिनल मूवी भी है, जिसमें राघव ने बहुत ही शानदार काम किया था। ये कंचना मूवी का रीमेक है, लेकिन कंचना मूवी से काफ़ी डिफरेंट भी है। इसमें आजकल के जो रिलीजियस सिनारियो है उसको भी डाला गया है, यानी कि लव और दूसरा वर्ड तो आपको पता ही है। इसमें मुस्लिम लड़का अक्षय कुमार, जिसका नाम आसिफ है, जिसकी शादी होती है हिंदू लड़की यानी कायरा अडवाणी से, जिससे आपको पता चल गया होगा कि ट्विटर पे किसे ट्रेंड कर रहा है। इसी वजह से कुछ लोग इस फिल्म को धर्म से लेकर भी जोड़ रहे हैं। फिल्म के शुरुआती सीन्स में ही धर्म को लेकर मॉक किया गया है, जिसमें अक्षय कुमार जो कि मुस्लिम लड़का जो एक हिंदू बाबा को ढोंगी साबित करता है फर्स्ट सीन में ही, तो इससे ही लोगों का भड़कना तो लाजमी है। दूसरे सीन में मुस्लिम लड़का अक्षय कुमार यानी कि आसिफ अपने घर जाता है और कायरा अडवाणी पर प्यार जताता है, ये भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे भी लव जिहाद को ही जोड़ा जा रहा है। शुरुआती में जो कायरा के पिता है उसको काफ़ी निर्दयी दिखाया गया है, क्योंकि वो अपने दामाद को यानी कि आसिफ अक्षय कुमार को मुस्लिम होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जब धीरे धीरे कायरा अडवाणी और अक्षय कुमार आसिफ दोनों का प्यार उनके सामने आता है, तो यही हिंदू पिता जो है इनका दिल पिघल जाता है। लेकिन तभी अक्षय कुमार के ऊपर लक्ष्मी का आत्मा आ जाता है। आता है या आती है आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर है। इस मूवी में सोसाइटी के कई सारे मुद्दों को एक साथ उठाया गया है, जैसे हिंदू मुस्लिम में कैसे यूनिटी स्थापित की जाए, और दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर सोसाइटी में किस तरह परेशानियों का सामना करते हैं, इसको भी बहुत बेखूबी तरीके से दिखाया गया है। और अक्षय कुमार अपने दोनों किरदारों को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में काफ़ी माहिर दिखाई दे रहे हैं। शरद कैलकर ने भी काफ़ी दमदार एक्टिंग दिखाई है, कायरा अडवाणी भी काफ़ी प्यारी लगी है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इतनी अच्छी मूवी को निगेटिव बोल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस मूवी की IMDB रेटिंग और गिराई जाए। ऑलरेडी 2 कर दी गई है, लेकिन IMDB रेटिंग में 5-6 हज़ार लोगों ने ही बस शामिल हुए हैं। आप जानते हो कैसे कट्टरपंथी है, और ट्विटर पर हैशटैग चला कर रहे हैं बॉयकॉट लक्ष्मी। और राघव लॉरेंस की इतनी अच्छी मूवी जिसमें अक्षय कुमार ने इतना शानदार काम किया है, उन्होंने खुद बताया है 30 साल के फिल्मी करियर में उनकी ये सबसे बेहतरीन मूवी है, उसी को एक कट्टरपंथी दबा रहे हैं। मुझे ये हॉरर कॉमेडी मूवी बहुत अच्छी लगी, कंचना भी काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसको भी काफ़ी बेहतरीन लगी है मुझे ये मूवी। 2020 में दीपावली के समय ये दमदार मूवी है, ब्लॉकबस्टर लगी मेरे को तो। इसको मैं दोबारा हॉटस्टार डिज्नी पर देखूंगी, और आप भी OTT प्लेटफॉर्म में अपना रिचार्ज करके ज़रूर देखिए इस मूवी को, और अक्षय को आगे बढ़ाइए और इसकी रेटिंग को आगे बढ़ाने में अपनी हिस्सेदारी बनाइए। अक्षय कुमार अपना अक्की जिंदाबाद, धन्यवाद, भारत माता की जय। Thank you.